असिस्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर। आज वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष्य में मैं आपको हाइपरटेंशन या हाई बीपी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहूँगा। हाई बीपी, जिसे हम मेडिकल लैंग्वेज में हाइपरटेंशन कहते हैं, ये हार्ट डिजीज का एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर होता है। अगर हम देखें तो इंडिया में ऑलमोस्ट 30% ऑफ पॉपुलेशन हाइपरटेंशन और हाई बीपी से ग्रसित है। स्पेशली ये प्रॉब्लम स्पेशली शहरी लोगों में ज़्यादा देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू जो लोग गाँव में रहते हैं। उसका एक इम्पॉर्टेंट रीज़न उनका लाइफ स्टाइल और ईटिंग डाइटरी हैबिट्स होता है। ये हाइपरटेंशन और हाई बीपी की बीमारी इंक्रीजिंग एज के साथ बढ़ती है और मोस्ट आदमियों में ज़्यादा कॉमनली मिलती है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि ये यंग इंडिविजुअल्स में और फीमेल में नहीं होती है। हाई बीपी हम कब कहते हैं? नॉर्मली अगर आपका ऊपर वाला बीपी 120 के अराउंड और नीचे वाला बीपी 80 के अराउंड होता है तो हम उसे नॉर्मल कहते हैं। पर अगर किसी भी पर्सन का बीपी दिन 2 या 3 बार चेक करने पर, अलग अलग समय पर चेक करने पर, ऊपर वाला 140 के ज़्यादा और नीचे वाला 90 से ज़्यादा आता है तो हम उसे हाई बीपी या हाइपरटेंशन की कैटेगरी में मानते हैं। ऐसे पेशेंट्स को तुरंत डॉक्टर की सलाह लेना चाहिए और उनके हिसाब से दवाइयाँ और लाइफस्टाइल मॉडिफाई करवाना चाहिए। जनरली हाई बीपी का यूजुअली लोगों में कोई लक्षण नहीं होता है, पर अगर लोगों को लंबे समय तक हाई बीपी या हाइपरटेंशन की बीमारी रहती है तो ऐसे इंडिविजुअल्स में हार्ट अटैक का रिस्क, स्ट्रोक या पैरालिसिस का रिस्क, किडनी डैमेज का रिस्क और गैंग्रीन, जिसमें कि उंगलियां या हाथ या पैरों की उंगलियां काली पड़ जाती है और उनको काटने की ज़रूरत पड़ जाती है, इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इसीलिए हम हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर के नाम से भी जानते हैं। कुछ लोगों में बीपी की वजह से परसिस्टेंटली मॉर्निंग हेडेक रहता है, नौजिया की प्रॉब्लम हो सकती है, घबराहट की प्रॉब्लम हो सकती है, चलने फिरने में सांस चढ़ना इत्यादि ये सब प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर आप हाई बीपी और हाइपरटेंशन से ग्रसित हैं तो हम कुछ लाइफस्टाइल और डाइटरी मॉडिफिकेशन करके आपके बीपी को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है रेगुलर एक्सरसाइज। नॉर्मली किसी भी इंडिविजुअल के लिए डेली आधा से एक घंटा ब्रिस्क वॉक यूजुअली सफिशिएंट रहता है। ये अपने हार्ट को आपके हार्ट को भी हेल्दी रखता है और बीपी को रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है। मसल बिल्डिंग एक्सरसाइजेस यूजुअली 1 से 2 दिन ही करना होता है और ये आपके बीपी रिडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करती, इनफैक्ट थोड़ा बहुत बीपी इंक्रीज ही करती है। डाइटरी मॉडिफिकेशन में हमें अपने डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इंटेक इंक्रीज करना चाहिए, सॉल्ट का इंटेक कम करना चाहिए। आजकल बाजार में जो पैक फूड मटेरियल आते हैं इनमें काफ़ी मात्रा में सॉल्ट होता है, तो हमें वो उनके लेबल चेक करना चाहिए कि उनमें सॉल्ट कितना दिया हुआ है किसी भी प्रोडक्ट को लेने से पहले। अपनी डाइट में बेकरी, बिस्किट्स, नमकीन, अचार, पापड़ जैसी चीज़ों का इंटेक कम करना चाहिए। पोटेशियम कंटेनिंग सब्सटेंसेस लाइक बनाना वगैरह का इंटेक बढ़ाना चाहिए, ये भी हमारे बीपी रिडक्शन में हेल्प करता है। स्मोकिंग और तंबाकू का उपयोग नहीं करना है, एल्कोहल के उपयोग को रिड्यूस करना है, रेस्ट्रिक्टेड अमाउंट में ही लेना है। किसी भी तरह का मेंटल स्ट्रेस आपके बीपी को बढ़ाने का काम करता है तो हमें मेडिटेशन करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, लाइट म्यूजिक सुनना चाहिए, फ्रेंड्स फैमिली वगैरह से मिलते रहना चाहिए। इससे हमारा मेंटल स्ट्रेस कम होता है और हमारे बीपी रिडक्शन में हेल्प करता है। अगर इन सब मेजर को करने के बाद भी आपका बीपी ऊपर वाला 140 और नीचे वाला 90 से ज़्यादा रहता है तो हमें मेडिसिन लेना चाहिए। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाइपरटेंशन से ली जाने वाली दवाइयों का साइड इफेक्ट ना के बराबर होता है, और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर बीपी लंबे समय तक एलिवेटेड रहता है तो ये हमारे हार्ट पे, ब्रेन पे, किडनी पे, सभी पे बुरा असर डालता है। तो अपनी मेडिसिन रेगुलरली, अगर आपको या आपके घर में किसी को भी बीपी का प्रॉब्लम है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, हमें अपने घर में बीपी का मशीन जरूर से रखना है और रेगुलर बीपी का मॉनिटरिंग करना है। बीपी हमें एक बार मॉर्निंग में आधा घंटे के रेस्ट के बाद बिना कोई चाय कॉफ़ी पिए एक शांत अवस्था में चेक करना चाहिए, और दूसरी बात कम से जब भी पेशेंट को किसी तरह की परेशानी हो हमें रेगुलरली बीपी चेक करना चाहिए। घर में बीपी चेक करने वाली मशीन यूजुअली करेक्ट नहीं होती हैं, पर वो हमें अपने बीपी का एक ट्रेंड बताती हैं जो हमें आगे मेडिसिन मॉडिफाई करने में हेल्प करता है। कभी कभी जब पेशेंट हॉस्पिटल आता है तो बिकॉज ऑफ सम स्ट्रेस ही उसका बीपी बढ़ जाता है, इसको हम वाइट कोट हाइपरटेंशन भी कहते हैं। सिमिलरली जब पेशेंट हॉस्पिटल आता है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा कॉशियस रहता है, मेडिसिन प्रॉपरली लेता है कुछ दिन पहले,
और उस वजह से बीपी नॉर्मल भी आ जाता है, इसे मास्ड हाइपरटेंशन कहते हैं। इन दोनों तरह के हाइपरटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए घर में बीपी की मॉनिटरिंग अति आवश्यक होती है। अंत में वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष्य में आपको यही कहना चाहूँगा कि आप सभी अपने हार्ट का ध्यान रखें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, घर का खाना खाएँ, और अगर आपको बीपी आपके घर में आपको या किसी को भी होता है तो प्रॉपर मेडिसिन टाइम से लें और अपने नियर बाय डॉक्टर से कंसल्ट करें।